हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मुझे भूल नहीं गए होंगे। इतने लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस लंबे समय तक वीडियो नहीं बनाने का भी एक रीज़न था, तो वो रीज़न ये था कि मेरा ट्रांसफ़र ब्रांच ऑफिस से मेन ऑफिस पे हो गया है। तो वो इतना दूर पड़ता है कि जाने आने में ही इतना टाइम चला जाता है कि ब्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता। लेकिन हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं और थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम देखते हैं कि लास्ट 3 वीक में हमने जो भी किया है, जो रामनवमी गया, उसमें जो हनुमान जयंती भी गया, और मेरा नया रूट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिस को। से निकले तो बारिश जैसा कुछ मौसम नहीं था, लेकिन रास्ते में तो देखी तो बारिश आ के गई है, लेकिन रास्ते में भी बारिश आएगी ऐसा लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम एकदम खुशनुमा है, लेकिन देखते हैं आगे बारिश क्या करती है हमारे साथ। अगर बीच में रोका तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफिस से जाने में ही लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो जिस बात का डर था वही हुआ, आधे रास्ते में ही बारिश ने हमको रोक लिया। लेकिन मेरे साथ और भी कुछ लोग उसे हुए थे। देखते हैं अब कब तक ये बारिश रुकती है। तो हम तो इस बारिश को एंजॉय करेंगे और थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो थोड़ी देर राह देखते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तो आगे के लिए हम चलेंगे। तो फाइनली एक आध घंटा वेट करने के बाद बारिश अब रुक चुकी है, हम आगे के लिए निकल चुके। लेकिन बारिश बहुत ज़ोरदार थी, ये देखिए कितना पानी बह के जा रहा है। तो फाइनली हम बिना भीगे पहुंच चुके हैं ऑफिस, लेकिन अभी बारिश आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। आज बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है, तो बारिश तो पूरे दिन आएगी। तो हम हमारा काम करने जाते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो और बारिश इंजॉय करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।